अस्सलाम वालेकुम सर जी, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो आदम में और हमारा जो सफ़र है कराची के लिए, इंशाल्लाह हम अभी निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुख्तार अहमद और आप देख रहे हैं मुख्तार डेली ब्लॉग। तो सर जी, अगर आपने मुख्तार डेली ब्लॉग ज्वाइन नहीं किया तो कर लो भाई, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो भाई? फ्री फोकट में हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है पैसे वैसों का। काफ़ी काम जो फ्री में हो ना कर लिया करो, ठीक है? चल चल। तो इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो आदम में और हमारी तैयारी है कराची जाने की, और एक सरप्राइज़ है आपके लिए, इंशाल्लाह आगे चल के बताएँगे। और मेरे साथ अब्दुल रज़ाक मौजूद हैं, तो ज़्यादा करवा दो अपनी। तो सर जी, हमने जो है ना रहमान बाबा का टिकट जो है ना बुक करा लिया, अब इंतज़ार में बैठे हुए हैं और बेहतरीन माहौल है। ये देखिए टंडो आदम का जो है ना ये स्टेशन है, इतना खूबसूरत स्टेशन, और मज़े से बैठे हुए हैं ठंडी हवाओं के नीचे, छाँव के नीचे, घने दरख्त के नीचे। सुला के छोड़ गया अजीब शख्स था कि अपना बना के छोड़ गया अतल्ला के शेर के साथ। तो हमने जो आगाज़ कर दिया अपने व्लॉग का, हमारे साथ अब्दुल रज़ाक साहब बैठे हुए। तो भाई, आपको बहुत शौक था बाबा रहमान में जाने का, इसी क्या ख़ास बात है बाबा रहमान ट्रेन में जो आपने कहा इसी में जाना है? भाई, हम सुबह सुबह 6 बजे जैसे जाते, नींद ख़राब करते, अब आराम से जा रहे हैं, अपना पहुंच जाएंगे तो 3-4 बजे। भाई, उठना तो शहरी में वैसे भी है, अच्छे भले जो है ना 7 बजे निकल जाते, 8, 9, 10, 11 बजे कराची पहुँच जाते मज़े से, लेकिन इनको जो है ना रहमान बाबा के में जाना था। रोला शोला लगता है मुझे, वहाँ पहुँच के बताएँगे आपको क्या है। बाकी आप व्यू देखो भाई, यार मज़ा आ गया यार। ये तो रोज़ाना व्लॉगिंग के लिए बेहतरीन पॉइंट है जो है ना, आके यहाँ पर व्लॉगिंग करनी चाहिए बंदे को। ज़बरदस्त काम हो गया यार। चलो ट्रेन आती है तो फिर आपको बताते हैं भाई, देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा भाई। सर जी, आप व्लॉगिंग में आ रहे हो आमिर भाई? रोज़ा भाई हमारा, वालेकुम सलाम। हेलो हेलो भाई, इस वक्त जो है ना स्टेशन पे बैठे हुए हम टंडो आदम स्टेशन पे बैठे हुए गाड़ी के इंतजार में। मजे आ रहे हैं तुम्हारे? मजे काहे के आ रहे हैं, मजे आपके आ रहे हैं। सर जी, रहमान बाबा का ऐलान हो रहा है और हम जो है ना इंतजार कर करके लेट गए थे, थक गए थे। ये देखे भाई, यार एक बंदे का काम है। तो भाई, सामने स्टेशन है और हम जो है ना लेटे हुए हैं, ठंडी हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है भाई। ऐसे चश्के मिल रहे हैं, दिल गार्डन गार्डन हो गया हमारा भाई, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है भाई। वाओ, वेरी डेंजरस। तो ऐलान हो गया, इंशाल्लाह 2 मिनट बाद प्लेटफार्म पे जो है ना गाड़ी आती है, तो आपको दिखाते हैं, ज़ियारत करवाते हैं रहमान बाबा की, और फिर उसके अंदर बैठते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह का नाम लेके ठीक हो गया। A few moments later. तो भाई ये देखें, थोड़ा यहाँ से ही नज़र आ रहा है क्योंकि सूरज नज़र आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा यहाँ से ही नज़र आ रहा है, और यहाँ पर थोड़ा काला हो गया, इसका भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। और ये सामने ट्रेन आ गई भाई, अल्लाह पाक से दुआ है कि सीट मिल जाए यार, क्योंकि रोज़ा है, रोज़ा मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि शायद जो है ना सफ़र थोड़ा है, रोज़ा छोड़ना मेरे को भी हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं कोटरी में और हमारा सफ़र रमा दमा है अल्लाह के फजल करम से। तो सरप्राइज़ के लिए वीडियो देखते रहिएगा भाई।
की लानी जो है ना क्रॉस कर चुके हैं सिंह रोड पर, इंशाल्लाह 10 मिनट में पहुँच रहे हैं, फिर वहाँ पर हमें असद भाई या हामिद भाई जो है ना पिकअप करने के लिए आएंगे इंशाल्लाह। जो है ना हम उतर गए अल्लाह के फजल करम से, आ जाओ बाबा, बाकी बाहर जाके मिलते हैं। असद मियां भाई हमें लेने के लिए आ गए हैं। ये पुरानी ये वही बंदा है, इसी किताब मेरे पास है। ये फाइनली भाई हम सदर पहुंच गए हैं, हाशमी फ़ोटोज़ जिनके पास जो हर किस्म की वैरायटी मौजूद है कैमराज में, माइक्स में और ट्राईपॉड वगैरह में, हर चीज़ें मतलब व्लॉगिंग के तमाम किट्स वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है इनके पास। जो भाई विज़िट करना चाहे तो सदर में आके हाशमी फ़ोटोज़ विज़िट कर सकता है। तो हमने परचेज़ किया भाई रोड का माइक रोड गो 2। अच्छा साथ में हमने ये केबल ली है जो कि मोबाइल में लगेगी, क्योंकि रोड वालों ने जो मोबाइल के लिए केबल नहीं दी, सिर्फ कैमराज के लिए दी है। तो वायरलेस माइक है ये GoPro 2, ये फाइनली हमने परचेज़ कर लिया है। इसकी अनबॉक्सिंग आपको जो है ना हम घर आने के बाद दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। तो ये दुकान का विज़िट कर लें भाई, फराज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, फहद भाई जो हमारे पास जो पहुँचे नहीं है अभी, वो 20 मिनट बाद इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो व्लॉगिंग का सारा सामान मैं यहाँ से लेता हूँ, और बहुत ही बेहतरीन बंदे हैं और बहुत ही हम्बली तरीके से जो है ना आपसे मिलते हैं और आपको गाइड करते हैं। तो आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा हाशमी फ़ोटो सदर। 2000 years later. हामिद भाई जो है ना हमें छोड़ने के लिए आए बंडो आदम के लिए और हम वापसी के लिए तैयारी करें। ठीक है हामिद भाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।